आपको हम एवरेज पार्ट टू के बारे में बताएंगे। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे विद इन 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। इस सूत्र को याद रखिएगा, n प्लस वन टू एन प्लस वन अपान क्या होता है, 6 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में टू एन प्लस वन अपान 6। और यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान क्या दे दिया है, यन का मान आपको 13 दे दिया है, 13 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यन के स्थान पर 13 पुट कर देंगे, उसको रख देंगे। तो देखिए क्या आता है, एन के स्थान पर 13 रखेंगे, 13 प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 टाइम्स 13 प्लस वन, 2 गुणे 13 धन 1 बटा हो जाएगा 6। अब जो है क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, 14। अब देखिए 13 दूना 26 1 27, इसका मान हो जाएगा 27/6। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6 2 7 14, 3 1 3 3 9 27, और 9 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 63 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, इसका मान 63 हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत एक ब्रैकेट में n प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 63 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर कितना है।